सिपाही देखा मंत्री रजेश सिंह को बाबा के ऊपर विश्वास नहीं था, बिल्कुल नहीं था महाराज, और बलवीर सिंह की बात को मानकर हम बेटी को बाबा के पास ले गया। हमारी बेटी आज ठीक हो चुकी। क्यों नहीं महाराज, आज हमारे आसाम राज्य के अंदर हमारी प्रजा वो खुशियां मना रही है। जी महाराज, आज आपके आसाम के सभी नर नारी खुशी से अपने अपने घरों में घी के चिराग जला रहे हैं। जो क्यों नहीं सिवाई, हमेशा हमारी प्रजा का ख्याल रखना। अब आपकी बेटी मुसीबत से निजात पा गई है, और अगर इजाजत हो तो ये खुशी का पैगाम जाकर अपने बंगले पर अपनी पत्नी को सुनाऊं। बलवीर सिंह, आज हमारी बेटी जो ठीक हुई है ये सब तुम्हारी वजह से? नहीं महाराज, ये तो सब माँ काली की कृपा है। और जाओ, हम तुम्हें इजाजत दे रहा हूँ, ये खुशी का पैगाम जाकर के तुम अपने बंगले पर अपने पति को सुनाओ, लेकिन उसके बाद तुम सीमा सरहद के लिए रवाना हो जाना। आपका हुक्म सर आंखों पर। सिवाई तुम यहाँ की देखभाल बराबर करते रहना, कोई भी गरीब मोहताज यतीम काश अगर हमारे शाही महल की तरफ आता है तो वो खाली हाथ वापस जाना नहीं चाहिए, शाही खजाने से उसकी इमदाद किया जाए। क्या बताऊं, मेरा बेटा दीप कॉलेज गया हुआ है, लेकिन टाइम काफी हो रहा है, अभी तक वो कॉलेज से लौट कर वापस नहीं आया, पता नहीं क्या बात। मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की। प्यार की जिंदगी देने वाले, हाँ
बेटा दीप जी माँ जी, ये बताओ काले से आने का यही टाइम है, इतना लेट क्यों आए? मम्मी आज मैं अपने दोस्तों के संग उनके घर चला गया था, इसलिए मुझसे देरी हो गई है। लेकिन किससे पूछ कर गए हो? आई एम सॉरी मम्मी। बेटा दीप, ये तुम्हारी पहली गलती है, इसलिए मैं माफ करती हूँ। अगर दोबारा ऐसी गलती करोगे तो तुम्हारी बहुत पिटाई होगी, क्योंकि तुम अब बच्चे नहीं हो, सयाने हो चुके हो। अब बगैर घर वालों से पूछे हुए इधर उधर कहीं नहीं आना जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि जमाना बेहद खराब चल रहा है। ठीक है मम्मी, आज के बाद बगैर आपसे पूछे हुए हम कहीं नहीं जाएंगे। हाँ बेटा, लेकिन बेटा एक बात मेरी समझ में नहीं आती, तुम्हारे डैडी जब से भारत गए हैं आज काफी दिन हो चुके हैं, ना तो उन्होंने फोन किया है ना तो उनका कुछ हाल खबर मिला है। जब वो ड्यूटी पर चले जाते हैं तो अपनी ड्यूटी के आगे ना तो अपनी बीवी ख्याल करते हैं ना तो बच्चे ख्याल करते हैं। क्या मम्मी पापा ने आज भी फोन नहीं किया है? नहीं बेटा। मम्मी मैं थोड़ी देर तक उनका इंतजार करेंगे, अगर आज फोन नहीं करते हैं तो हम खुद फोन लगाकर पता लगाएंगे कि कौन सी ऐसी बात है जो कि उन्हें फोन करने का वक्त नहीं मिला है। हाँ बेटा। हाँ मम्मी। माँ बेटे बहुत बातें करते हो। हाँ पापा, हम माँ बेटे आप ही के बारे में बातें कर रहे थे। क्या मेरे बारे में? जी पापा जी। क्या बातें कर रहे थे? पापा हम लोग यही सोच रहे थे कि आज काफी दिन गुजर गए हैं, आपने फोन नहीं किया है, कौन सी ऐसी बात हो गई है जो कि हमारे पापा को फोन करने का वक्त नहीं मिला है। बेटा हाँ कुछ ऐसी बात थी जो फोन नहीं किया। स्वामी जी आज आपको अचानक देखकर हम लोग हैरत में पड़ गए कि आपको हमारी लोगों की याद कैसे आ गई। प्रिय कमला तुम तो जानती हो कि मेरी ड्यूटी बॉर्डर पे होती है और बराबर छुट्टी नहीं मिल पाती। वो तो मैं अच्छी तरह जानती। और फिर आज एक खुशी का पैगाम लेकर आया हूँ जिसे तुम बेहद खुश हो जाओगी। क्या खुशी का पैगाम? हाँ स्वामी जी, कौन सी ऐसी खुशी का पैगाम आप लेकर आए हैं जो हम लोग सुनकर बहुत खुश हो जाएंगे? प्रिय जो महाराज की बेटी हमेशा बीमार पड़ी रहती थी। क्या हुआ महाराज की? अब वो ठीक हो गई है। क्या महाराज की बेटी जो हमेशा बीमार पड़ी रहती थी वो ठीक हो गई? हाँ अब वो ठीक हो गई है। लेकिन स्वामी जी राजकुमारी जी ठीक हुई तो कैसे ठीक हुई? इसी आसाम जब मेरी ड्यूटी बॉर्डर पे थी तो सैकड़ों लोगों का आना जाना उसी रास्ते से लगा था। उन लोगों से दरियाफ्त किया कि आप लोग कहां जा रहे हैं, तो लोगों ने बताया कि मैं कल्याणी मल के पास जा रहा हूं। उन लोगों के साथ वहां पहुंचा और पहुंचकर क्या देखा कि बहुत बड़ा विशाल मंदिर माँ काली का, और उसी माँ काली के मंदिर पर एक बाबा कल्याणी मल। और जब बाबा का चमत्कार देखा कि लोगों का भला हो रहा है, लोग रोते हुए आते हैं और हंसते हुए जा रहे हैं, तो यही बात जाकर के दरबार में महाराज के सामने पेश किया और महाराज की बेटी व महाराज को बाबा कल्याणी मल के पास पहुंचाया। माँ काली की कृपा से और बाबा की दुआ से राजकुमारी ठीक हो गई है। आज हम लोगों को भी बेहद खुशी खुश होना चाहिए।
ये बताओ तुम्हारी पढ़ाई का क्या समाचार है? पापा हमारी पढ़ाई अच्छी चल रही है। अच्छी चल रही है जी पापा जी। बेटा इस वर्ष क्लास में हर बच्चों से तुम्हें फर्स्ट नंबर से पास होना है। पापा जैसे कि हर वर्ष अपने क्लास में हर बच्चों से फर्स्ट आता हूँ, अब कितनी उम्मीद है कि अपने क्लास में हम फर्स्ट ही आएंगे। शाबाश बेटी, अच्छी पढ़ाई करो और योग्यता प्राप्त करो। आश्रम राज्य के अंदर हमारे नाम की जयकारे हो रहे हैं। प्रत्येक गली गलियारों में हमारे नाम के जयकारों की गूंज हो रही है। लोग अपने अपने घरों में हमारे फोटो लगा करके हमारी पूजा कर रहे हैं। माँ ये सब आपकी कृपा है, आपकी कृपा। कल्याण हो बलवीर सिंह, लगता है परिवार के साथ आए हैं। बड़े अच्छे संस्कार हैं बच्चे के। क्यों नहीं बाबा। और ये कौन है? बाबा ये मेरी पत्नी कमला है और ये मेरा बेटा है। आपकी पत्नी बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है भाई। बाबा ये तो आप लोगों का आशीर्वाद है जो हमें खूबसूरत पत्नी मिली और खूबसूरत बेटा मिला। अरे बेटा क्यों नहीं मिलेगा, जब जमीन अच्छी है, जोतने वाला किसान अच्छा है, हाईब्रिड का बीज पड़ा हुआ है तो पौधा तो अच्छा होने होना है। यानी बाबा आप मजाक भी कर लेते हैं। कहाँ जाऊंगा मजाक करने, फिर कैसे आना हुआ बतलाइए। बाबा जी आपसे एक विनय है मेरी, लाल पर मेरे थोड़ी नजर कीजिए। क्या लिखा भाग में है मेरे लाल के, साफ दिल खोल करके बता दीजिए। भाग में है मेरे लाल के, साफ दिल खोल करके बता। हाँ मेरे बेटे की हस्तरेखा देखकर
आप ये बताएं कि आगे चलकर कोई संकट तो नहीं है? बलबीर जी, घबराइए नहीं, मैं एक तांत्रिक ही नहीं हूं, मैं एक बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर भी हूं, मैं हैंड लैंड का विशेषज्ञ हूं, मैं सब कुछ बतला सकता हूं। बड़े मेरे पास आओ। जाओ बेटे। बलबीर सिंह, तुम्हारे बच्चे के मस्तक पे त्रिपुंड बना हुआ है। क्या त्रिपुंड? हाँ, और इसका अर्थ माना जाता है वीरभद्र का आशीर्वाद, मतलब तुम्हारा बेटा बहुत ही भाग्यशाली है। बड़े दाहिना हाथ दिखाओ, कौन से हाथ से लिखते हो? ये क्या है? क्या है? बलबीर सिंह, तुम्हारे बच्चे के हाथ में एक ऐसी रेखा आ गई है जो बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बाबा, ये आप क्या कह रहे हैं? मेरी बात को ध्यान से सुनो बलबीर सिंह, मेरी बात को ध्यान से सुनो। ठाकुर बलबीर सिंह, तुम तुलो घर पे जोरदारी कि किस मद तेरे लाल की, उम्र 18 का दुख उठाना पड़े फिर हुकूमत करे राज्य आशा की। लेकिन बाबा, मेरे बेटे का 17वें साल तो गुजर गया और 18वीं साल में चल रहा है। अगर आपका बेटा इस समय प्रेजेंट टाइम में 18वीं साल में चल रहा है तो इसी साल में एक ऐसे घोर संकट में फंसने वाला है, ऐसी मुसीबत में आने वाला है कि हो सकता है कि उस परेशानी से तुम्हारा बच्चा ना उबर पाए, मृत्यु को भी प्राप्त। नहीं बाबा, काश बच्चे को कुछ हो गया तो हम लोगों की जिंदगी नरक बन जाएगी। बाबा, काफी मिन्नतों के बाद एक औलाद पाया हूं और हम लोगों की जिंदगी सिर्फ औलाद के ऊपर डिपेंड है। बाबा, मेरे बच्चे को उस ग्रह से बचा लो। घबराइए नहीं बलबीर सिंह, माँ के पास आए हो, यहाँ आओ बेटे, मेरे पास आओ। जय माँ काली की। माँ, इस बच्चे का उद्धार कर माँ, इसकी सारे दुखों को हरण कर माँ। जय माँ काली की। जाओ पिताजी को लेकर के आओ। एक बार अपने हृदय से माँ काली के नाम का उद्घोष करो और बच्चे के गले में डाल दो। जय माँ काली की। जय माँ काली। जाओ, जब तक ये माला इस बच्चे के गले में पड़ा रहेगा, इसकी आत्मरक्षा करता रहेगा। और ये माला इतना शक्तिशाली होगा, अगर किसी पागल इंसान के गले में डाल दोगे तो उसका पागलपन दूर हो जाएगा। क्या बाबा, ये माला किसी पागल इंसान के गले में डाल देने से उसका पागलपन दूर हो जाएगा? हाँ, उसकी खोई हुई याददाश्त फौरन वापस आ जाए। बेटा, इस माले पर विशेष ध्यान देना, गले से बाहर नहीं उतारना, काश ये माला खो गया तो तेरी जान खतरे में पड़ जाएगी। चाह बेटे, नाम क्या है तेरा? मेरे बेटे का नाम दीप सिंह है। दीप सिंह है, मतलब तुम्हारा बेटा कुंभ राशि का है। और कुंभ राशि की कोई लड़की है जिसकी वजह से इस बच्चे के ऊपर संकट आने के योग बन रहे हैं। बाबा, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं नहीं कह रहा, शास्त्र कह रहा है। बेटा, कोई ऐसा कदम नहीं उठाना जिससे तेरे माँ बाप का सर झुके,
मेरी शान शौकत पर, मेरी प्रतिष्ठा, मेरी मेरा गौरव पर धप्पा लगे। बेटा तुझे अच्छी तरह मालूम है कि मैं इस आसाम मुल्क का एक सेनानायक हूं। मैं वो इंसान हूं कि टेढ़ी नजर तो बर्दाश्त कर लेता हूं, लेकिन गंदी जुबान बर्दाश्त नहीं करूंगा। कोई ऐसा कदम नहीं उठाना जिसे मैं मजबूर हो जाऊं। क्यों बच्चे को डांट रहे हो? ये तुम्हारा बच्चा शादी के पहले किसी भी के लड़की के साथ हनीमून नहीं मनाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। बाबा हिदायत दे रहा हूं। जाओ जाओ बेटे, हमारा आशीर्वाद है तुम्हें एक भाई जल्दी से और मिल जाए। बाबा अगर ऐसा हो जाए तो जिंदगी में चार चांद लग जाएं। हो सकता है भाई, खेती करने के लिए सारे कृषि यंत्र को अभी मजबूत दिखलाई दे रहे हैं। बाबा अच्छा बाबा चल रहा, कल्याण हो कल्याण हो कल्याण हो कल्याण हो कल्याण।